हेलो सर, लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम. वी हैव गिवन अ सॉर्टेड सिंगल लिंक्ड लिस्ट. वी हैव टू रिमूव ऑल द अकरेंस ऑफ डुप्लीकेट आइटम्स. लेट्स से वी हैव दिस सॉर्टेड सिंगल लिंक्ड लिस्ट. ऑल द सेम आइटम्स आर टुगेदर. वी हैव टू रिमूव द डुप्लीकेट आइटम्स सो दैट देर शुड बी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अवर आउटपुट. लेट्स डिस्कस द अप्रोच. हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो हमें ये सपोज एक लिंक लिस्ट गिवन है और हमारे फर्स्ट नोड को रेफर कर रहा है हेड हेड पॉइंटर. सो इसकी बेसिक अप्रोच क्या है, हम करेंट पॉइंटर लेंगे और ट्रेवर्स करते जाएंगे फ्रॉम हेड टू जब तक लास्ट नोड हमारा नल नहीं हो जाता. और अगर हमें कोई डुप्लीकेट मिलता है, सपोज करो हमारा करंट इनिशियली यहाँ पे है, अगर हमारा करंट यहाँ पे है तो हम इसको देखेंगे नेक्स्ट वाले नोड से, इसको हम कंपेयर करेंगे. अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो हम हमारे सेकंड नोड को डिलीट कर देंगे. वी विल डिलीट आवर सेकंड नोड. और अगर ये सेम नहीं आ जाता है तो हम नेक्स्ट पॉइंटर पे मूव कर जाएंगे. तो इनिशियली हमारा करंट पॉइंटर यहां पे है CURR. इनिशियली हमारा करंट पॉइंटर यहां पे है. हमने चेक किया करंट नोड में पड़ा हुआ डाटा क्या करंट से नेक्स्ट नोड में पड़ा हुआ डाटा के इक्वल है या नहीं है. अगर वो इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, हम करंट पॉइंटर को हमारे यहां पे ले आएंगे. अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे इसको 20 के लिए, करंट में पड़ा हुआ डाटा करंट के नेक्स्ट के डाटा के बराबर है या नहीं है. इस केस में ये इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इस नोड को यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे इस वाले नोड से. ठीक है, इस केस में हम करंट पॉइंटर को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमने करंट पॉइंटर को अगर चेंज कर दिया, हो सकता है कि ये जो आगे यहाँ पे पड़ी हुई वैल्यू है, हो सकता है वो पिछले वाले के इक्वल है, तो उस केस में ये वाली वैल्यू डिलीट नहीं हो पाएगी. तो अब हमारा करंट पॉइंटर यहीं पे है सेकंड, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे. तो अब हमने चेक किया कि 20-30 के इक्वल है नहीं है, 20-30 के इक्वल नहीं है तो करंट पॉइंटर को हम काट के यहाँ पे ले आएंगे. करंट पॉइंटर हमारा आ गया. अब हम इंडेक्स नंबर 3 पे हैं और हमने चेक किया कि करंट में पड़ा हुआ डाटा करंट के नेक्स्ट के डाटा के इक्वल है नहीं है. अगर करंट के डाटा के इक्वल है तो हम इस नोड को डिलीट कर देंगे और इस नोड को कनेक्ट कर देंगे नेक्स्ट वाले से. तो हमारा करंट उसके बाद यहीं पे है. उसके बाद हमने चेक किया क्या करंट का डाटा करंट के नेक्स्ट के डाटा के बराबर है या नहीं है. अगर करंट के नेक्स्ट के डाटा के इक्वल है तो हम इसको रिमूव कर देंगे और हमारा करंट यहीं पे है. और अगर करंट का नेक्स्ट हमारा अगर नल हो जाता है तो वहां पे हम अपनी आइट्रेशन को स्टॉप कर देंगे. और इसमें हमारा बेस केस क्या रहेगा, बेस केस इसमें रहेगा कि हमारा जो करंट पॉइंटर है वो नल ना हो. करंट पॉइंटर और करंट का नेक्स्ट पॉइंटर जिसको हम चेक करने वाले हैं वो दोनों नल ना हो, क्योंकि अगर करंट का नेक्स्ट अगर हमारा नल हो जाता है तो वो हमें C++ में एरर शो कर देगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट, क्योंकि हम उस डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता. इसलिए हमें दोनों को चेक करना पड़ेगा, हमारा करंट भी नल नहीं होना चाहिए और हमारा करंट का नेक्स्ट भी नल नहीं होना चाहिए. यही हमारे दो बेस केसेस हैं. अब हम एक बार कोड पे मूव कर जाते हैं. सो ये हमारा कोड, ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इंट डेटा और स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट. उसके बाद ये नया नोड बनाने के लिए स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है. उसके बाद डाटा को प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट नेक्स्ट फंक्शन है. सो सबसे पहले हम अपने मेन फंक्शन चलते हैं. मेन फंक्शन में नोड्स क्रिएट किए हुए हैं, उनको लिंक किया हुआ है उनके नेक्स्ट के साथ. तो यहाँ तक सारे नोड्स क्रिएट किए हुए हैं. उसके बाद हमने अपने नोड्स को प्रिंट करवा रखा है प्रिंट लिस्ट फंक्शन की हेल्प से. उसके बाद हमने अपने रिमूव डुप्लीकेट फंक्शन पे गए. सपोज मेरा करंट पॉइंटर यहां पे था, दिस इज माई करंट पॉइंटर.
करंट का डाटा करंट के नेक्स्ट के डाटा के अगर इक्वल हो जाता है तो हमें क्या करना है, इस पॉइंटर को, इस नोड को डिलीट करना है। इस नोड को डिलीट करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको एक टेम्प में स्टोर करवा लेंगे। टेम्परेरी नोड में स्टोर करवा लिया मैंने इसको, टेम्परेरी नोड लिया और इसको पॉइंट कर दिया 20 को यहां से, ठीक है। तो उसके बाद जो भी हमारा करंट का नेक्स्ट है, करंट के नेक्स्ट को मैंने पहले टेम्परेरी में स्टोर करवा लिया, उसके बाद करंट के नेक्स्ट के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी, इस पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करवा लिया और उसके बाद मैंने कर दिया डिलीट टेम्प। यही है कोड के अंदर। सबसे पहले मैंने टेम्परेरी टेम्प नोड बनाया एक, उसको पॉइंटर के अंदर उसका एड्रेस स्टोर कर लिया, करंट नेक्स्ट को स्टोर कर लिया, उसके बाद करंट नेक्स्ट को चेंज कर दिया करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, उसके बाद मैंने डिलीट कर दिया टेम्प को। बट क्या होता है अगर हमारा करंट का डाटा करंट के नेक्स्ट के डाटा के इक्वल ना हो, तो उस केस में हमें क्या कर देना है, करंट इज इक्वल्स टू करंट नेक्स्ट और फंक्शन खत्म होने के बाद हमें कर देना है रिटर्न स्टार्ट फर्स्ट नोड का एड्रेस। तो उसके बाद ये फंक्शन कॉल हो गया, हमें हमारी लिस्ट अपडेट मिल, लिंक लिस्ट अपडेट हुई मिल गई। उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया लिस्ट को, कोड को रन करके देख लेते हैं। सो कोड रन हो चुका है सक्सेसफुली। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेन हमारा ये फंक्शन है, इसमें हमने सिंगल लूप रन किया है फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द नोड टू द एंड ऑफ द नोड, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी बिग ओ ऑफ एन। सो दैट्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।